राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विजय उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल ने पत्रकारों से वार्ता के समय कहा कि हमें महाविकास आघाड़ी में वोट नहीं मिला, ऐसा नहीं है, हमारे विधायकों ने सही वोट दिया है, निर्दलीय और छोटे दलों ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है, लेकिन अपेक्षित 4.5 वोट नहीं मिले, देशमुख और मलिक के वोट नहीं मिले, कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों से क्षणिक नाराजगी हो सकती है, विधान परिषद की मतदान प्रक्रिया अलग है, इसे गुप्त मतदान द्वारा किया जा सकता है, लोग चाहे तो मैं एक बार फिर लोकसभा में जा सकता हूँ, एक पार्टी में क्या चल रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। म्हणजे काही छोटी मोठी नाराजी, असं नाही की प्रचंड काही नाराजी, पण छोटी मोठी नाराजी कोणी व्यक्त केली असेल तो, पण ते स्वाभाविक आहे। आता असं आहे की एक महाविकास आघाडीमध्ये तीन पक्ष, बरेच मित्र पक्ष, काही आपले काय म्हणतात अपक्ष आमदार आहे, थोडा वेळ लागते अशा गोष्टीमध्ये। सगळ्याच्या सगळ्या म्हणजे एक पक्षाची सरकारमध्येही काही नाराजीची असूर असते, तुम्हाला नागपूरमध्येही दिसत असेल ना, काय मला काही सांगायची गरज आहे का नागपूरमध्ये एका पक्षामध्ये काय चाललं आहे। देखिए राज्यसभा के चुनाव में पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट है कि तीनों जो पार्टीज है, शिवसेना, कांग्रेस और NCP, इन तीनों पार्टी के जिसके मिला के मेजोरिटी से बहुत ज़्यादा हैं, ये तीनों पार्टी के वोटर जो हमारे MLA से, उन्होंने पार्टी ने जो दी हुई लाइन है उसके आधार पर वोटिंग किया है, उसमें से एक भी MLA का क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है। दूसरी महत्व की बात यह है कि एक हमारा MLA जो वोटर था उसका वोट डिस्क्वालीफाई हुआ। तीसरी बात, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट करने का अधिकार नहीं मिला। अगर आप ये इतना भी हिसाब कर लेंगे और जो लोगों ने इंडिपेंडेंट या छोटे पार्टी के लोगों ने वोट किया, तो भी आपको अंदाज लगेगा कि एक 4-5 वोटों का ही फर्क कहीं इधर उधर हुआ है।